मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। यूपी में राजनीति अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ जब से जेल से बाहर आए हैं आजम खान, तब से लोग इसी इंतजार में हैं कि आखिर आजम खान का अगला ये मूव जो होगा क्या होगा। क्या आजम खान जो है सपा पार्टी का साथ छोड़ेंगे? साथ ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अब्दुल्ला आजम जो आजम खान के बेटे हैं वो भी अपने पिता के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। यहाँ पर देखने को यही लग रहा है कि आजम खान जो है अपनी नाराजगी जिस तरह से उन्होंने व्यक्त की है, अब उसे मनाने के लिए, उन दोनों को मनाने के लिए अखिलेश यादव जो है वो आगे आए हैं। दरअसल सोमवार से बजट सत्र की शुरुआत हुई थी और इस दिन आजम खान और अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ विधानसभा पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने अपने विधायक पद के लिए शपथ ली, लेकिन यहां पर देखने को मिला कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम शपथ लेने के बाद अखिलेश यादव के साथ एक कमरे में मीटिंग करने के लिए जाते हैं। आपको बता दें कि आजम खान तो शपथ लेने के बाद विधानसभा सत्र में शामिल नहीं होते हैं और अपने घर यानी कि रामपुर वापस लौट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे भी नाराज चल रहे हैं अखिलेश यादव से, लेकिन जैसे ही बजट सत्र समाप्त होता है अखिलेश यादव अपने कार्यालय में यहां पर अब्दुल्ला आजम को लेकर जाते हैं। वहां पर तकरीबन 20 मिनट तक इन दोनों के बीच बातचीत चलती है। फिलहाल दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है ये तो अभी किसी को नहीं पता है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव आजम खान और अब्दुल्ला आजम को मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस 20 मिनट की मुलाकात के बाद क्या अब्दुल्ला आजम मानते हैं और अखिलेश यादव के साथ ही बने रहते हैं, क्योंकि यहां पर देखने को मिला कि जब बजट सत्र की शुरुआत हुई थी तब सपा विधायक जहां एक तरफ बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम अपने आप को इस विरोध प्रदर्शन से दूरी बनाकर रख रहे थे। उन्होंने अपने आप को किनारा कर लिया था और वो दूर ही बैठकर शिवपाल सिंह यादव के साथ इस विरोध प्रदर्शन को देख रहे थे, लेकिन इसमें उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी भूमिका अदा नहीं की। यहां पर देखने को यही मिल रहा है कि आजम खान नाराज चल रहे हैं और उसके साथ ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी नाराज चल रहे हैं और अपनी नाराजगी वो हर समय जो है व्यक्त करते रहते। इससे पहले भी जब विधायकों की मीटिंग हुई थी उस वक्त भी अखिलेश यादव की इस मीटिंग में नहीं पहुंचे थे अब्दुल्ला आजम। उसके बाद जिस तरह से बजट सत्र में भी उन्होंने सपा के विधायकों के साथ किनारा किया, और अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव के साथ इस 20 मिनट की मीटिंग के बाद क्या अब्दुल्ला आजम मानते हैं और क्या उनके पिता आजम खान भी मानते हैं, क्योंकि आजम खान ने अपनी तरफ से एक बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि यहां पर अगर उन्हें कोई और कश्ती मिलती यानी कोई अच्छा विकल्प मिलता है तो वो सपा पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं। और अब इसी बीच इस 20 मिनट की मुलाकात, इस मीटिंग के बाद क्या अखिलेश यादव आजम खान और अब्दुल्ला खान को मनाने में कामयाब रहते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।